2019 का लोकसभा चुनाव जीतने का क्या है बीजेपी प्लान? आखिर 2019 के लिए क्या है बीजेपी का मिशन 2 करोड़? लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने 2019 आम चुनाव के लिए खास प्लान तैयार किया है। पार्टी अपने इस खास प्लान को इसी महीने लॉन्च कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने अपने इस प्लान में उन 2 करोड़ वोटरों को शामिल किया है जो साल 2000 में पैदा हुए थे और 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो बीजेपी इन वोटरों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगी। इस पूरे प्लान में बीजेपी के सोशल मीडिया टीम की भी मदद ली जाएगी। ऐप के जरिए चलाए जाने वाले इस अभियान का नाम मिलेनियम वोटर कैंपेन है, जिसे 18 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा के मुताबिक इस ऐप के जरिए न सिर्फ वोटरों को जोड़ने का काम किया जाएगा बल्कि इससे वोटर आईडी कार्ड को भी आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक 2019 के आम चुनाव में नई पीढ़ी के युवाओं की भी हिस्सेदारी होगी। ऐसे में 2019 का चुनाव पूरी तरह से अलग रहने वाला है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी भी चुनाव में युवाओं की अहमियत को खूब समझते हैं। पिछले साल ही उन्होंने कहा था कि साल 2000 में पैदा होने वाले 2018 के नए वोटर होंगे, ऐसे में उनका सम्मान होना चाहिए। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी युवाओं और महिलाओं ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया था और बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि बीजेपी 2019 में बनने वाले नए वोटरों को साधने की मुहिम में अभी से जुट गई है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।